हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा शूट में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बात करते हैं तो बायोलॉजी के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसके पहले हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्लासेस करवा रखे हैं, ठीक है। कुछ मैंने दिया है, आप यूट्यूब पे किया है आप लोग ने, और आज हम लोग क्या करने वाले हैं इस क्लास में, तो कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, जिसका क्वेश्चन होता है प्लस उसका आंसर हमको लिखना पड़ता है। क्लियर बात है? ये हमारी क्या है, बायोलॉजी की क्लास है, ये आपको पता होनी चाहिए, जिसको हम लोग जीव विज्ञान बोलते हैं। क्लास 12th की ये चल रही है। ओके, किसकी? क्लास 12th की चल रही है। अगर आप चाहते हैं आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है किसी चीज की, 12th क्लास की बात करें, 11th में नहीं पढ़ा है कुछ भी, चाहते हैं कि हमारी बोर्ड की एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, आपको गाइडेंस मिल जाए, प्रॉपर तरीके से स्टडी आपकी हो जाए, नोट्स मिल जाए, प्रिपरेशन मिल जाए, क्वेश्चन मिल जाए, टेस्ट सीरीज वगैरह, क्वेश्चन कैसे देना, कैसे पूछते हैं, या फिर एक ही क्वेश्चन है किस तरीके से घुमा के पूछे, सब कुछ का प्रिपरेशन, ठीक है। अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमसे और कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन सब्जेक्ट की, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सब जीव विज्ञान, नहीं, आपको सभी सब्जेक्ट की, आपकी बात करें केमिस्ट्री, फिजिक्स बेस्ट टीचर है, ठीक है। सारे टीचर से आप कर सकते हैं, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, बिल्कुल अपना एकदम मस्त प्रिपरेशन, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। और आज इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपके कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो मैं चैप्टर वाइज लेके चलूंगी, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात हो तो मैं चैप्टर वाइज ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। पहले चैप्टर, सेकंड चैप्टर, ऐसे करके करके मैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको डेली कराती रहूंगी, तो आज पहले चैप्टर के क्वेश्चंस कराऊंगी। क्लियर है बातें? चलो तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि पूरा भर भर के कराऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन आपका द्विखंडन एवं बहुखंडन में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। द्विखंडन और बहुखंडन में आपका अंतर स्पष्ट करना है। क्लियर है बातें? तो देखो, द्विखंडन क्या होता है, बहुखंडन क्या होता है, तो एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, एक साइड लिखते हैं द्विखंडन क्या होता है, दूसरे लाइन लिखते हैं बहुखंडन। देखो बहुत लंबी क्लासेस ये हम नहीं लेंगे, ओके, बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट क्लासेस लेंगे, लेकिन क्लियर करेंगे सारे पॉइंट, आपको क्लियर होनी चाहिए, उसी तरीके से आपकी स्टडी भी मैं कराऊंगी, ओके। देखो द्विखंडन की बात, दो द्वही खंडन होगा, नाम से पता चला द्विखंडन मतलब एक का दो टुकड़ा हो जाना, एक हमारा है, एक का दो हो जाना, ये हमारा आता है द्विखंडन के अंतर्गत। लेकिन वही अगर बात करें बहुविखंडन की, तो क्या होगा, बहुत सारे डिवीजन होंगे, मल्टीपल डिवीजन होगा, ठीक है। क्या होगा, मल्टीपल, एक तो तुम्हारा बाइनरी फ्यूजन होता है जिसको हम लोग द्विखंडन कहते हैं इंग्लिश में, और तुम्हारा जो बहुखंडन होता है उसको हम लोग मल्टीपल फ्यूजन कहा जाता है। तीन चार मैं अंतर लिख पाती हूँ, समझ में आ जाएगा, यही होता है, कुछ और इसमें नहीं होता। तो लिखना, इसमें दो संतान की उत्पत्ति होती है, क्या होता है, इसमें दो संतान की उत्पत्ति होती है, ओके। और इसमें क्या होता है, इसमें कई संतान की उत्पत्ति होती है, मतलब बहुत सारे होते हैं, इसमें ओके इसमें क्या होता है, कई संतान की उत्पत्ति होती है, नाम से पता चला। मैं सारी, देखो मैं कोशिश करूंगी आपके सारे पॉइंट क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं कि मैं सब लिख के बताऊं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, अगर आपके दिमाग में हो तो आप सारी चीजें आप कवर कर सकते हैं, लिख सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी क्या होता है, अवशेषी अंग नहीं बसता, जो तुम्हारा द्विखंडन होता है, इसमें क्या होता है, मैं अलग स्लाइड लेती हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी अवशेषी अंग नहीं बचता है, अवशेषी पदार्थ, ठीक है, बोल सकते हैं इसमें क्या होता है, कोई भी अवशेषी भाग नहीं बचता है। अवशेषी भाग नहीं बचता है मतलब कि जो सेल का डिवीजन होता है ना, ठीक है, जो सेल का कोशिका का विभाजन होता है, आपको पहले पता है कि उसमें केंद्रक का डिवीजन होता है, फिर क्या होता है, कोशिका द्रव्य का, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा सेल हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा केंद्रक है, तो पहले तुम्हारा केंद्रक का डिवीजन होगा, क्या होगा, पहले तुम्हारा कि केंद्रक का डिवीजन, ऐसे केंद्रक का डिवीजन होगा, फिर तुम्हारे कोशिका, फिर ये दो बन जाते हैं,
ठीक है, फिर ये क्या होते हैं, तुम्हारे दो बन जाते हैं। लेकिन तुम्हारे बहुविखंडन में क्या होता है, इसमें शेष भाग बच जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा डिवीजन होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि इसमें शेष भाग बच जाता है, अवशेषी भाग बच जाते हैं। ठीक है, इसमें शेष भाग कुछ बच जाते हैं। और जो तुम्हारा बाइनरी फ्यूजन होता है, इसके लिए क्या होती है, अनुकूल परिस्थिति चाहिए। इसका कोशिका विभाजन के लिए क्या होना चाहिए, अनुकूल परिस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए क्या होना चाहिए, कोई ऐसी परिस्थिति क्या आती है, अनुकूल तथा विपरीत दोनों में स्थिति में कॉमन काम करते हैं। ठीक है, अनुकूल व विपरीत दोनों परिस्थिति में ये कॉमन काम कर सकते हैं। ठीक है, दोनों परिस्थितियों में ये प्रॉपर डिवीजन कर सकते हैं। तो क्लियर है बात, है ये समझ में आई कि बहुविखंडन क्या होता है, द्विविखंडन क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे कि हमारा अगला प्रश्न क्या होता है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कायिक प्रबंधन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन से आप क्या समझते हैं, इसके उपयुक्त उदाहरण दीजिए। तो जो हमारा कायिक प्रोपागेशन होता है, ठीक है, कायिक प्रकार क्या होता है, एक प्रकार इसको बोलते हैं हम लोग अलैंगिक जनन, नहीं बोलते। ठीक है, यह क्या होता है, क्योंकि इसमें कायिक प्रबंधन क्या होता है, इसमें अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, जो एक ही जनक से किसी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, जैसे मान लो इसमें एक ही जनक से उसी से हम लोग क्या करते हैं, उसकी संतति का निर्माण होता है। सेम यही कैरेक्टर क्या होता है, अलैंगिक जनन में भी होता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, सेम कैरेक्टर उसमें भी प्रेजेंट होता है। उसमें मेल और फीमेल दोनों अलग नहीं होते हैं, मेल और फीमेल बॉडी दोनों अलग नहीं पाए जाते, एक ही बॉडी में दोनों प्रेजेंट होते हैं। और उसी से क्या होता है, आपका नई संतति, उसके बच्चे का बात कर सकते हैं, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं कि यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, यह क्या होता है, एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। क्लियर पॉइंट यहां तक, ठीक है, तो यह प्रकार क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, और इसके कायिक प्रबंधन के निर्माण से क्या होता है, संतति का फॉर्मेशन होता है। इसके कायिक भाग से, कायिक भाग से, कायिक भाग के प्रवर्धन मतलब टूटने के द्वारा, कायिक भाग के प्रवर्धन द्वारा संतति का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, उदाहरण की वैसे बात करें, तुम्हारा प्रकंद होता है, ठीक है, राइजोम होता है, ट्यूबर होता है, ये सब कुछ क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल जैसे लिख सकते हैं आप एग्जाम्पल। ठीक है, जो कंद होता है, ठीक है, इसे राइजोम बोलते हैं ना, राइजोम, ट्यूबर, ठीक है, ये सब कुछ क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। प्रकंद होता है, तो ये सब कुछ क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल उदाहरण होते हैं। जो तुम्हारा आलू वगैरह होता है ना, आलू होता है, अदरक होता है, तुम्हारा गन्ना होता है, गुलाब का पेड़ होता है, इस सब में क्या होता है, मेल और फीमेल प्लांट तो अलग अलग नहीं होता है ना, उसकी टहनियां कट करके क्या करते हैं हम लोग, नया प्लांट उगाते हैं। ठीक है, उसकी टहनियां कट करके हम लोग क्या करते हैं, नया प्लांट उगाते रहते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक प्रबंधन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, यही आता है। और इसी में क्या आता है, तुम्हारा अलैंगिक जनन भी आ जाता है, इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। क्लियर पॉइंट यहाँ तक, ठीक है। अब लास्ट प्रश्न आपका एक और है, ठीक है, अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा है विपुंसन से आप कैसे क्या तात्पर्य, विपुंसन क्या होता है, उससे क्या तात्पर्य है। विपुंसन का अगर बात करें, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेस्कुलेशन, क्या बोलते हैं, इमेस्कुलेशन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर बातें। तो अगर मान लो कोई अगर जो मादा जनक होती है, ध्यान सुनना, कोई भी जो मादा जनक क्या होते हैं, जनक जो बात कर सकते हैं,
ठीक है, वी पुंसन का मतलब समझना। देखो वी पुंसन में सब सीधा सीधा मतलब है, अगर कोई हम लोग जो हाइब्रिडेशन करवाते हैं ना, आर्टिफिशियल जिसको बोलते हैं, ध्यान सुनना, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल, बात कर सकते हैं पॉल्यूशन बोलते हैं ना, आर्टिफिशियल पॉल्यूशन यार लिख लो। ठीक है, पॉलिनेशन, ओके, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, जो परागण की बात करें, जैसे हमको मान लो कोई फीमेल प्लांट लिया, इसका मैं डिफिनेशन भी लिखवाऊंगी लेकिन समझ लो थोड़ा सा। तो अगर हमको इसका लिखना बोलना पड़ेगा, अगर कोई हमको आर्टिफिशियल कोई एक ही प्लांट में, जैसे देखा होगा कि हम लोग सोचते हैं एक ही प्लांट में दो तीन ठू लगा दे, ठीक है, या तो बोलेंगे कि हम लोग अपने तरीके से अपने हिसाब से पॉलिनेशन की क्रिया करें, कोई प्लांट है मेल है अलग है फीमेल प्लांट अलग है, ठीक है, अगर हम सोचते हैं कि उसी में हम लोग दोनों दो कलर का दो चीजें उगा ले, ठीक है, दो कलर का फूल उसमें उगा ले, ठीक है, तो उसमें हम लोग करते क्या है कि एक तो तुम्हारा मान लो व्हाइट है, उसी में पॉलिनेशन हम लोग क्या करते हैं रेड वाले का भी कराते हैं और तुम्हारे येल्लो वाले का। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन का जो प्लांट निकलता है वो क्या होता है, कोई अगर फीमेल प्लांट है उसमें हम लोग सोचते हैं दो प्रकार का, ठीक है, द्विलिंगी धारण करना चाहिए, उसका रूप क्या हो दो प्रकार का है, ठीक है, मूवी वगैरह हम देखते हो ना कि हाँ एक कैरेक्टर ऐसा है कैरेक्टर ऐसा है, ठीक है, वैसे ही प्लांटो में अगर चाहे कि हम लोग एक ही प्लांट में दो कलर का पुष्प उगा ले, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं विपुंसन की क्रिया कराते हैं, उसके लिए हाथों से क्रिया कराते हैं, उसको कवर कर देते हैं कि इसको अलग से पॉलिनेशन ना हो पाए। पॉलिनेशन पता है ना, पॉलिनेशन हमारा दो प्रकार का होता है, एक तो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होता है, दूसरा हमारा क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया होती है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जो स्वयं हो जाए, ध्यान सुनना, सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है स्वयं हो जाए, ठीक है, स्वयं होता है, इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया होती है, ये हमारा क्या होता है, इसमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत प्रकार का होता है। तो ये जो होता है, ये जो आपकी विपुंसन की बात करो और इसकी बात करो, ये दोनों हमारे किसमें आते हैं, तुम्हारे क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत आते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में अलग से आर्टिफिशियल पढ़ना होता है, और आर्टिफिशियल के अंतर्गत सब हेडिंग में क्या है, तुम्हारा विपुंसन है, जिसको इमस्कुलेशन कहा जाता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो मनुष्य होता है मानव होता है वो इसमें कोई मतलब डिजीज वगैरह वाला नहीं होता है, उसमें एकदम अच्छे क्वालिटी का पॉलिन ग्रेन लेते हैं, ठीक है, अच्छे क्वालिटी का मेल प्लांट ले, उसका पॉलिन ग्रेन निकालते हैं, परागकण निकालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उसका हम लोग पॉलिनेशन करवाते हैं, मतलब निषेचन करवाते हैं, उसके बाद वो फूल जो होता है, उसके बाद वो फल बनता है, फल से बीज बनता है, पकता है, मैच्योर होता है, फिर उससे सीड हम लोग निकालते हैं, ऐसे होता है ना। कि अगर मान लो कि पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है तो उसको कैसे करते हैं, पॉलिनेशन ही समझ में आना चाहिए, सारी हेडिंग्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कोई डिफरेंट नहीं, कोई अलग नहीं है, ठीक है, तो उसमें करते क्या है कि हम लोग पूरी जो क्रिया होती है, ठीक है, जो पहले कोई फूल, फूल तो पहले खिल जाता है, चाहे खीड़ा ककड़ी कुछ भी हो, फूल पहले खिल जाता है, मधुमक्खियां भी उस पर भिन भिन आती है, इसको मकरंद के लिए वो उसकी जो रस होता है फूलों को उसको लेती है, जाके शहद बनाती है, तो ये सारे हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं अपने तरीके से उसमें हम लोग पॉलिनेशन कराए, ठीक है, अपने तरीके से उसमें फ्लावर का जो उसमें देखते हो, कभी कभी सोचते हैं ना कि फूल ले लिया, उसमें जो येल्लो येल्लो पार्टिकल्स लेते हो हाथ में, तुम फूल को टच करोगे ना तुम्हारे हाथों पूरे येल्लो येल्लो लग जाएंगे, ठीक है, पूरा पीला पीला कलर का पाउडर जैसा लग जाता है, वो होता है पॉलिन ग्रेन। तो अगर कोई फूल है उसमें सोचेंगे किसी और का फूल का उस पर परागकण ला के डाल दे, कुछ टाइम बाद देखो वो पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है, तो उसका भी कैरेक्टर होता है, उसका भी कैरेक्टर होता है, तो वो जो पूरी कैरेक्टर होती है उससे जो प्लांट बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं विपुंसन कहा जाता है, इमेस्कुलेशन कहा जाता है। ये किसके सब हेडिंग में आता है, तुम्हारा क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, तुम्हारा क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, इसमें अपने से होता है, इसमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन तुम्हारे जो क्रॉस पॉलिनेशन में यहाँ पे तुम्हारे सारे तुम्हारे चार पांच क्वेश्चन तुम्हारे हैंडल कर दिए, एक ही क्वेश्चन से तुम्हारे सारे चार पांच क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है, क्लियर पानी, इसमें कुछ लिखवाना नहीं है, मैं इसमें कुछ ऐसा क्या लिखवाऊँ जो तुमको समझ में, तो ऐसा कुछ है नहीं, अगर चाहते हो तो मैं एक दो लाइन लिखवा दूंगी इसमें, ठीक है,
इसमें मैं लिखवा देती हूँ कि यदि यदि कोई माला जनक, ठीक है, जो मैंने समझाया वही लिखोगे ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्या होता है यदि कोई मादा जनक, ठीक है, द्विलिंगी पुष्प धारण करना करता है तो। ठीक है, धारण करता है तो पराग के, ठीक है, प्रस्फुटन जो उसका फूट जाना, ठीक है, तो पराग के प्रस्फुटन से पहले पुष्प, ठीक है, जो पुष्प होता है कलिका में पराग कोष की निष्कासन, ठीक है, पराग कोष के निष्कासन हेतु एक जोड़ा उसको चिमटी की सहायता से निकालते हैं, ठीक है, इस्तेमाल करने के लिए आवश्यक होता है निष्कासन के लिए। चिमटी की आवश्यकता होती ओके okay? इस्तेमाल उसकी आवश्यकता हम लोग क्या करते हैं, करते हैं, और इस चरण में क्या करते हैं, विपुंसन के रूप में समय, और ये जो पूरी चरण होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विपुंसन इमस्कुलेशन कहा जाता है, कि इसमें आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनेशन की क्रिया कराते हैं। तो यहां तक ये तीन ही क्वेश्चन था मुझे क्लास में कराने के लिए, ठीक है। तो आप में देखो पहले क्वेश्चन से जो अगर बात, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना ही इंपॉर्टेंट था जितना मैंने कराया आपको, ठीक है। इसी से मैंने आपके सारे जो क्वेश्चन थे मैंने सारे आपको इसी तरीके से आपको क्लियर करवा दिया। क्लियर है बातें यहाँ तक? बताओ सारे टॉपिक खत्म हुआ, सारे टॉपिक आपको समझ में आए, क्वेश्चंस आपको समझ में आए कि नहीं? तो अपनी क्लासेस क्या ना शेयर भी किया करो अपने फ्रेंड्स वगैरह में, ऐसा नहीं कि खुद ही कर लिया हो गया, ऐसा नहीं। अगर चाहते हो कि तुम्हारी प्रिपरेशन वगैरह नहीं हो पाई है तो तुम आगे जुड़ सकते हो इससे, ठीक है, आके जुड़ सकते हो और अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हो। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ क्या क्या चीजें हम लोग ने अभी पढ़ा है। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि हम लोग इसमें द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर क्या होते हैं, ये चीजें पढ़ा था कि द्विखंडन क्या होता है, बहुखंडन में अंतर क्या होता है, ये पढ़ा था, ठीक है, ये हो गया था क्लियर। उसके बाद तुम्हारा था कायिक वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, उस पर हम लोग ने पढ़ा था। लास्ट क्वेश्चन आपका था विपुंसन से क्या तात्पर्य, वो भी क्लियर। ओके क्लियर है बातें? तो क्लास ये पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही किसी और क्वेश्चन के साथ, ठीक है। एक साइड से मैं लेके चलूंगी, ऐसा मत करना कि किसी और क्लास कोई इस चैप्टर का उठा लो और किसी और, नहीं, बिल्कुल एक साइड से, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।